माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियल अजीम अऊज़ु बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दु लिल्लाहि लज़ी तजल्ला लिल कलूबे बिल आज़मते वख्तजबा अनल अबसारे बिल इज़्ज़ते वक्तदरा अलल अशिया बिल कुदरते फलल अबसारो तुस्बितो लिरोयाते वतजब्बराओ बिल आज़मते वल किबरिया वतअत्तफाओ बिल इज़्ज़े वल बिर्रे वल जलाल वतमज्जदाओ बिल फ़ख्र वल बिहाओ वस्तख़लसाओ बिल नूर व ज़िया खालिकुन ला नज़ीर लहू वाहिदुन ला निद्द लहू इलाहुन ला सानी माहू व फ़ातिरुन ला शरीक लहू व राज़िकुन ला मुईन लहू अलअव्वलो बिला ज़वालिन व दाइमो बिला फ़नाइन वल काइमो बिला अनाइन वल मुमिनो बिला निहायतिन वल मुब्दियो बिला आमदिन व सानियो बिला आहदिन व रब्बो बिला शरीक सुम्मा सलातु व सलाम बित्तहियत वल इकराम अलन नबीयल उम्मीयल मक्कीयल मदनीयल कुरैशीयल हाशमी सैयदुल वही व सिराजुल मजी वल कौकब दुर्री साहिब व साहिब व कौर व सफीना अल मदफून व अर्ज मदीना सैयदना व मौलाना शफी जनूबना व तबीब नफूसना अबिल कौसम मुहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन शरफाइल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हादीन अल महदीन अल मुंतहबीन अल मुंतजबीन अल आबदीन शाकरीन अल हामदीन ज़ाहिदीन अल राशिदीन नल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व ताहिरहुम तत्हीरा अलानतुल्लाहि अला अदाएहिम अजमईन व गासिब हकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम व गैबतिहिम व ज़हूरिहिम व नज़ूलिहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुबहानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम वला यजिदु फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमु तस्लीमा। अहबाब अहले बैत हुब्दरान मुहम्मद व आले मुहम्मद अय्यामे अज़ाए हुसैन कायनात के कोने कोने पर जहाँ जहाँ भी लोग बसते हैं तो दिलों में बसेरा हुसैन इब्ने अली का है। दुनिया ने लाख कोशिशें की कि किसी तरह ये आज़ादारी ख़त्म हो जाए। आज़ादारी को ख़त्म करते करते वो जो लोग ख़त्म करना चाहते थे ख़ुद ख़त्म हो गए। नाम हुसैन बाकी है और इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नाम हुसैन को मिटा नहीं सकती। क्यों? अल्लाह का ये वादा है फ़ज़करूनी अज़कुरकुम
तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। हुसैन ने करबला में अल्लाह का ज़िक्र किया और ऐसे किया कि आदम से लेकर आज तक कोई ऐसे अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर सका। अब फिर अल्लाह ने भी वादा पूरा करना है। हुसैन ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ने अपना वादा पूरा करना है। अल्लाह का वादा है कि तुमने मेरा ज़िक्र किया, अब मैं कायनात भर में तेरा ज़िक्र फैला दूँगा। हर कोई हुसैन हुसैन करेगा। हमारे अशरे का उन्वान है सूरह निसा पाँचवा पारा और आयत नंबर 65। इस पे हमारी गुफ्तगू हो रही है। फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का फ़ीमा शाजरा बैना हम वला यजदफ़ी अनफुसहिम हरजम मिम्मा कज़ायत व युसल्लिमू तस्लीमा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ऐ हबीब तेरे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमन नहीं बन सकते जब तक तुझे अपना हाकम तस्लीम ना कर ले। जब तक हाकमियत मुस्तफ़ा को कोई तस्लीम नहीं करता, साहिब ईमान नहीं बन सकता। पता चला यह आयत आज के ज़माने में तो नाजुल नहीं हुई ना, 1400 साल पहले नाजुल हुई है और रसूल कौनैन के ज़माने में नाजुल हुई है। रसूल कौनैन के ज़माने में आयत का नाजुल होना इस बात की दलील है, कुछ लोग ऐसे थे जो दिल से रसूल के फ़ैसले तस्लीम नहीं करते थे। अगर वो फ़ैसलों को तस्लीम करने वाले होते तो आयत ना आती। आयत का आना इस बात की दलील है, अल्लाह ने पाबंद कर दिया है पूरी कायनात में बसने वाले मुसलमानों को कि रसूल को हाकम भी मानना है, रसूल के फ़ैसले को तस्लीम भी करना है, और जब रसूल फ़ैसला कर दें दिल में भी थोड़ा सा भी बुरा महसूस नहीं करना है। यानी कि जो दिल में रत्ती बराबर भी शक लाए रसूल के फ़ैसले पर, वो साहिब ईमान नहीं बन सकता। और अल्लाह ने कहा वो युसल्लिमू तस्लीमा, इसके फ़ैसले को ऐसे तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। ये जब मैं युसल्लिमू तस्लीमा पढ़ता हूँ तो एक आयत मुझे और याद आ जाती है जो हर साहिब ईमान को याद है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अब शान मुस्तफ़ा क्या है, मैं पहली मजलस से ये अर्ज़ करते चला आ रहा हूँ कि उस वक्त तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ज़ात मुस्तफ़ा समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपके दिल में सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का वो मकाम नहीं है जो अल्लाह ने बनाया है, आप अपनी मस्जिदों में कहें कि वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, आप कहें कि वो हमारे जैसे हैं। एक बंदे से किसी ने पूछा कि बताओ अल्लाह करता क्या है, अल्लाह काम क्या करता है। उस बंदे ने जवाब दिया, अल्लाह का फ़कत एक काम है, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेजना। बाकी सारे कामों के लिए अल्लाह ने अपने नुमाइंदे बनाए हुए हैं, ज़िंदगी मौत के लिए, रिज़्क़ के लिए, हयात के लिए उसके नुमाइंदे मुकर्रर हैं। अल्लाह कहता है कि मैं अगर कोई काम करता हूँ तो एक काम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद भेजता हूँ और दूसरा काम मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भेजता हूँ। इस आयत में अल्लाह ने कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, किस पर, अन्नबी पर। अलिफ लाम लगा हुआ है, अगर सिर्फ़ अला नबी होता
तो मानी ये होता कि अल्लाह सिर्फ नबी अकरम पर दुरूद भेजता है। अलिफ लाम का आना इस बात की दलील है, ये नबुवत में और तौहीद में मारफा और नकरा नहीं होते। अब ये बात पढ़े लिखे साहबान समझेंगे जिन्होंने अरबी पढ़ी हुई है। अरबी में एक मारफा होता है, एक नकरा होता है। नकरा वो होता है जो आम होता है, मारफा वो होता है जो ख़ास होता है। लेकिन नबुवत हमेशा ख़ास ही होती है, इसमें नकरा का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो अलिफ लाम लगा हुआ है ये मारफा का नहीं है। उलमाए कुतब और उलमाए फिकह और उलमाए तफसीर और उलमाए सर्फ व नहव फरमाते हैं कि यहाँ पर अलिफ लाम से मुराद ये है, ये अलिफ लाम जिन्स की है। अलिफ लाम जिन्स की है यानी अल्लाह नबी और उसकी जो जिन्स है उस पर दरूद व सलाम भेजता है। जो नबी की जिन्स है उस पर अल्लाह दरूद व सलाम भेजता है। अब अल्लाह ने हमें कहा कि तुम भेजो, मैं भी भेजता हूँ। अब हमने कैसे सलाम भेजा, हमने कैसे दुरूद भेजा, ज़रा दुरूद पढ़ के सुनाए मुझे ताकि मुझे पता चले कि हम कैसे दुरूद भेजते हैं। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अब मेरा सवाल भी सुने, आपने मुझे दुरूद सुनाया है, अब मेरा सवाल सुने। अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद भेजो और हम दुरूद पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐ अल्लाह तू दुरूद व सलाम भेज। अल्लाह हमें कह रहा है, हम अल्लाह को कह रहे हैं। हम खुद अपनी तरफ से क्यों नहीं कहते कि हमारी तरफ से आका और आप पर और आपकी आल पर दुरूद व सलाम हो। हम अल्लाह की तरफ से कही हुई बात अल्लाह की बारगाह में लौटा देते हैं कि ऐ अल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं है कि हम ज़ात मुस्तफ़ा पर डायरेक्टली दरूद भेज सकें, हम आले मोहम्मद पर डायरेक्टली दरूद भेज सकें। अब अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने जिस रसूल को भेजा है उसको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है और उस रहमत को कायनात में तकसीम कर दिया है दरूद की सूरत में। जब पूरी कायनात की रहमतें दरूद की सूरत में मोमिनीन ने अल्लाह की बारगाह में लौटा दी तो अल्लाह ने कहा अब इस रहमत को मैंने मासूमीन की सूरत में दुनिया में भेज दिया है। वही रहमत तकसीम हो गई है। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। साहिबान ईमान तुम भी दरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब दो बातें मुझे समझ में नहीं आती, अगर आपको समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। पहली बात तो ये कि एक बंदा जो नमाज पढ़ता है और नमाज में दुरूद भेजता है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और जब नमाज पढ़ के बाहर आता है तो फिर वो आले मोहम्मद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहता है। ये बात आपको समझ आती है तो मुझे समझा दीजिए। यानी कि नमाज में हम कहते हैं ऐ अल्लाह तू सलामती भेज, तू सलाम भेज, किस पर? मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर। जब नमाज पढ़ के बाहर आए फिक्र के जाविये टेढ़ा होना शुरू हो गए, कहने लगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं। मैंने कहा कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, अगर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत सैयदा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं, फिर मुझे बताओ वो अलैहिस्सलाम कौन हैं जिन पर अभी नमाज में सलाम भेज रहे थे। तो जो है मेरे दोस्तों यह नहीं है, फिर वो अलैहिस्सलाम कौन हैं जिन पर अभी तुम नमाज की हालत में सलाम भेज रहे थे। एक ये बात मुझे समझ नहीं आती और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती, नमाज में कहते हैं अस्सलामु अलैका,
أيها النبي ورحمة الله وبركاته آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، نماز میں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلا مولوی بگڑ گیا، اس نے کہا رسول مدد کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اگر وہ حاضر ناظر نہیں ہے تو ابھی نماز میں تم سلام کس پہ بھیج رہے تھے؟ تمہارا نماز میں سلام بھیجنا اور بعد میں یا رسول اللہ کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل میں ابھی تک منافقت باقی ہے۔ اگر منافقت باقی نہ ہوتی تو رسول کے حاضر ناظر ہونے کا انکار نہ کرتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مومن وہ جو رسول کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ اور پھر آئیے ذرا قرآن کی زبان سے پھر پوچھتے ہیں کہ مومنین کیسے کہتے ہیں۔ قرآن سناؤں گا آپ کو، منبر پر بھی قرآن حاضر ہے، وہ بھی سناؤں گا آپ کو، لیکن ذرا پہلے دو چار آیتیں اور بھی سن لیجئے۔ ارشاد رب العزت ہوا سورہ آل عمران میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کر جب میں نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کر جب میں نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا۔ کون سا عہد، کون سا وعدہ، کون سا میثاق؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کے آخر میں میرا ایک مصدق رسول آئے گا، تم سب کے آخر میں میرا ایک مصدق رسول آئے گا، جو کچھ تم لے کے جا رہے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ سارے نبیوں سے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم لے کے جا رہے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم نے کیا کرنا ہے؟ آواز قدرت آئی، تم نے دو کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم سب نے میرے اس آخری رسول پر ایمان لے کر آنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اگر بول نہیں سکتے، اگر زیادہ داد نہیں دے سکتے تو قاری صاحبان جب قرآن پڑھتے ہیں تو مجمع کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم سب اس پر ایمان لے کر آنا، اور جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد بھی کرنا۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ تم سب نے مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے۔ صرف ایمان ہی نہیں لانا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ اب اہلیہ نے ملکوال سے، اہلیہ نے ضلع منڈی بہاودین سے، خورشید حیدر جوادی یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ نے جب نبیوں سے کہا ہے کہ مصطفیٰ پر ایمان لاؤ تو ایمان لائے یا نہیں؟ سارے نبی مصطفیٰ پر ایمان لائے یا نہیں؟ لائے ہیں تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ آپ سب مولا علی کے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان لانے والے بیٹھے ہیں، اور سارے نبیوں کو اللہ نے کہا تم سارے محمد کے مومن بن جاؤ، سارے محمد پر ایمان لے کر آؤ۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ ممبر سے شان رسالت بیان نہیں ہوتی، او ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شان رسالت کیا ہے، او ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسول کا مقام کیا ہے، او ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اللہ نے کہا کہ مصطفیٰ پر ایمان لانا، ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ کا مومن کون ہے؟ آدم۔
मुस्तफा का मोमिन कौन है? नूह। मुस्तफा का मोमिन है इब्राहिम। मुस्तफा का मोमिन है इस्माइल। मुस्तफा का मोमिन है मूसा, ईसा, इदरीस, यूसुफ, याकूब। ये सारे नबी जिसके मोमिन हो, अब मुझे बताइए जहां इतने बुलंद मर्तबा मोमिनीन हो तो फिर अमीरुल मोमिनीन किसको होना चाहिए? जिंदगी दराज हो आपकी, जिंदगी दराज। हैदरी, जहां ये मोमिनीन का मैयार हो, आप और हमारे जैसे नहीं, जहां ये मोमिनीन हो, फिर मुझे बताइए अमीरुल मोमिनीन किसको होना चाहिए? हर ऐरा गैरा अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन वो होता है जो इनसे भी अफजल होता है। अब मैं कुरान से साबित करूंगा, कुरान से साबित करूंगा। पहले आयतें पढ़िए, फिर कुरान से साबित करूंगा कि अली कैसे इन सारे नबियों से अफसल है सिवाय मुस्तफ़ा के। तो जो है या नहीं, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी से मेरा मौला अली अफसल ही नहीं बल्कि मददगार भी है, उनके गवाह भी हैं। कुरान में इरशाद हुआ सूरह बकरा में, वाजिब तला इब्राहिम रब्बहू बेकाल मातिन फाता मोहन्ना काला इन्नी जायल काल नास इमामा काला वमिन जुरियती काला ला युनाल वाहद जालमीन। ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद कर जब मैंने इब्राहिम का इम्तिहान चंद कलिमात से लिया, वो उस इम्तिहान में 100% कामयाब हो गया। जब इब्राहिम कामयाब हुआ फिर हमने उसको इमाम बना दिया। समझे नहीं है ना आप? यानी इब्राहिम कौन है? नबी हैं, रसूल हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, कुर्बानी देने वाले हैं, शामिल दरूद हैं। इतने सारे अहदे अल्लाह ने इब्राहिम को दे दिए अपने लुत्फ व करम से, लेकिन जब इमामत की बारी आई, आवाज़ कुदरत आई, इमामत इम्तिहान के बाद मिलती है। तो जो है मेरे दोस्तों या नहीं है, इमामत इम्तिहान के बाद मिलती है। अब जब इम्तिहान दे दिया, इम्तिहान में पास हो गए, अल्लाह ने नबूवत रिसालत पहले दी, इमामत इम्तिहान के बाद दी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामत मिली तो उन्होंने क्या कहा? काला मिन जुरियती। तो जो है या नहीं है, काला मिन जुरियती। इलाहुल आलमीन, इस इमामत को सिर्फ मुझ तक महदूद ना रखना बल्कि मेरी नस्ल में भी, मेरी नस्ल में भी, मेरी जुर्रियत में भी इमामत को बाकी रखना। आवाज़ कुदरत आई, काला ला यनालो अहद जालमीन, ए इब्राहिम मैं तेरी नस्ल में इमामत बाकी रखूंगा लेकिन किसी भी दौर में किसी जालिम को इमाम नहीं बनाऊंगा, किसी जालिम को इमाम नहीं बनाऊंगा। अब मुझे बताइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, और इब्राहिम कौन है? अल्लाह के खलील। दुआ ये मांगी कि इमामत मुझे मिल गई है, अब इस इमामत को मेरी नस्ल में बाकी रख। एक आयत और पढ़ूं, लेकिन खुदा का वास्ता है, मेहरबानी करें, अभी तो मजलिस शुरू हुई है, कुछ मोमिनीन ने अभी से ही उबासियाँ लेना शुरू कर दी हैं। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हैदरी, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, आपके अकायद का दिफा कर रहा हूँ, और आप सुर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, यहाँ सुर भी मैं ही लगाऊंगा, आप मेरा साथ दें थोड़ा सा, थोड़ा सा। सलामत रहे, हैदरी, आपकी ज़िंदगी दराज हो। इब्राहिम कौन है? खलीलुल्लाह। कुर्बानी दी, फिर इब्राहिम का जिक्र आया सूरह मरियम में, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। ए मेरे हबीब, इस किताब में इब्राहिम का जिक्र भी कर, बेशक हमने इब्राहिम को सिद्दीक बनाकर भेजा।
अब बहुत बड़ा फैसला करने लगा हूँ मलकवाल की मजलस में, अशराय महरम में, मोमिनीन के इज्तमा में फैसला कुरान से करने लगा हूँ। अल्लाह ने कहा, हबीब इन लोगों को बता दे कि इब्राहिम सिर्फ मेरा खलील ही नहीं है बल्कि वो सिद्दीक भी है। सिद्दीक उसे कहते हैं जो इब्राहिम की मंजिल पर फायज हो। हर ऐरा गैरा सिद्दीक नहीं होता, सिद्दीक वो होता है जो कम अज कम इब्राहिम होना चाहिए। और इब्राहिम की मंजिल क्या है? इब्राहिम ने मिनल महद इला लहद पैदा होने से लेकर अपने वक्त वफात तक एक लम्हे के लिए भी बुतों की परस्तश नहीं की थी। इब्राहिम का मकाम यह है कि एक लम्हे के लिए भी बुत परस्त नहीं रहा, एक लम्हे के लिए भी बुतों की परस्तश नहीं की। बुत शिकन बना, बुत परस्त नहीं बना। तो पता चले जो एक लम्हे के लिए भी जिंदगी में बुत परस्त रहा हो वो सिद्दीक नहीं बन सकता। सिद्दीक वो होता है, सिद्दीक वो होता है जो कम अज कम हजरत इब्राहिम, मैं इशारों में बातें करता हूँ समझते जाइएगा कि मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। सिद्दीक वो होता है जो कम अज कम हजरत इब्राहिम जैसा मकाम रखता हो। और सिद्दीक के अकबर फकत वो होगा जो इब्राहिम का भी आका और मौला होगा। सिद्दीक अकबर वो होगा जो इब्राहिम से भी अफजल होगा। अब कौन है इब्राहिम से भी अफजल? तारफ कराना भी जरूरी, तारफ ना कराऊं तो हक के नमक अदा नहीं होता। कायनात के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था कि मैं तुम्हारे सबसे आखिर में जिस रसूल को भेजूंगा उस पर ईमान भी लाना है, उसकी मदद भी करनी है। अब ईमान तो सारे नबी लाए, लेकिन मुझे ये बताइए किसी एक जंग में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हों जिन्होंने तलवार लेकर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के हमरकाब होकर जिहाद किया हो, लेकिन वहाँ पर वादा कर चुके कि मदद भी करेंगे। अब कौन है कोई दुनिया में ऐसा? तलवार उसकी चले नबूवत आदम की बचे, तलवार उसकी चले नबूवत इब्राहिम की बचे, तलवार उसकी चले नबूवत नूह की बचे, तलवार उसकी चले नबूवत मूसा और ईसा की बचे, तलवार उसकी चले आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया की नबूवतें और रिसालतें महफूज हो जाएं और उनकी नुसरत का वादा पूरा हो जाए। कायनात के रसूल ने फरमाया, खुर्शीद जवादी इन लोगों को बता दे वो कोई और नहीं है बल्कि मन अरादा अयुंदरा इला आदमा फी इल्म ही व नूहन फी फाम ही व इब्राहिमा फी खुल्लत ही व मूसा फी हैबत ही व ईसा फी करामत ही व मोहम्मदन फी कमाल ही फल यंजुर इला वजह अली इब्ने अबी तालिब। अगर तुम में से कोई आदम का इल्म देखना चाहे, अगर तुम में से कोई नूह का फहम और इदराक देखना चाहे, अगर तुम में से कोई इब्राहिम की खुल्लत देखना चाहे, अगर तुम में से कोई मूसा की हैबत देखना चाहे, अगर तुम में से कोई ईसा की करामत देखना चाहे, अगर तुम में से कोई मुझ मोहम्मद का कमाल देखना चाहे फल यंजुर इला वजह अली इब्ने अबी तालिब। एक मर्तबा अली का चेहरा देखो सारे नबी नजर आ जाएंगे। हैदरी जिंदगी अंदर या रसूल अल्लाह अली अली हैदरी। एक मर्तबा चेहरा अली की ज्यारत कर लो सारे नबी नजर आ जाएंगे। तो जिस अली के चेहरे में इतना कमाल है कि एक मर्तबा उसकी ज्यारत से सारे नबी नजर आ जाएं, वही अली जब इन सारे नबियों की कुव्वत और ताकत लेकर
और इन सारे नबियों का मददगार बन के इन सारे नबियों की तरफ से रसूल के हमरकाब होकर अहद बदर में जाता है तो खंदक के मैदान में रसूल को ये ऐलान करना पड़ जाता है, ज़रबतो अलीन फी यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, आज अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। आज अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। लीजिए जनाब, आप मुतवज्जो हो गए, आज की इस मजलिस में खिलाफत का मसला हल करके जाना चाहता हूँ। लोगों ने बड़े बड़े खलीफे बनाए, अपने मनपसंद खलीफे बनाए, जिन्होंने 35 और 40 साल की मेहनत करके एक सूरह बकरा याद की, उनको भी जी वो भी याद ही, और जब याद हुई तो देगे पका के तकसीम की कि मैं बड़ा कारनामा सर अंजाम दे देता है, सूरह बकरा याद कर। अब अल्लाह ने कहा कि फैसला कराना है रसूल से, गुलाम रसूल से नहीं, तो जो है या नहीं, यहाँ रसूल की बजाय गुलाम रसूल फैसले करने के लिए बैठ जाते हैं। खिलाफत का मसला हल होता है, अभी कुरान से हल होगा। इब्राहिम ने ये दुआ मांगी थी कि मेरी नस्ल में, मेरी जुर्रियत में इमामत बाकी रहे। अब अल्लाह ने क्या वो दुआ कबूल की या नहीं, ये मैं आपको कुरान से दिखाता हूँ। सूरह इनाम 7वां पारा आयत नंबर 83, यहां से काम शुरू होता है और इरशाद रब्बुल इज्जत होता है कि ऐ मेरे हबीब, इन लोगों को बता, सुनिएगा जरा, कुरान पढ़ूंगा, जरा रोक रोक के पढ़ूंगा, पहले सारे कुरान मजीद की ज्यारत कर लें, क्योंकि कुरान मजीद के हरूफ को देखना भी इबादत है, कुरान की ज्यारत करना भी इबादत है। तो जब कुरान के लफ्ज़ों को देखना इबादत है तो मुझे बताइए नातक के कुरान को देखना तो जो है या नहीं, फिर वो अल्लाह की इबादत है या नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि इब्राहिम ने दुआ मांगी और मैंने उस दुआ को कबूल किया। कैसे? आयत नंबर 83 याद रखिएगा, हवाला घरों में जा कर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रटी रटाई मजलसे नहीं है, अपनी तरफ से भी कुरान की कोई आयत नहीं पढ़नी, ये ना हो कि बात मैं अपनी करूँ और बाद में जाकर कहूँ कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, फिर पब्लिक के सामने माफ़ी भी मांगूँ, ऐसी खिताबत मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाता है तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, ये वो हुज्जतें और दलीलें हैं जो मैंने इब्राहीम को अता की थी, किसके पर? उसकी कौम पर। नरफाउ दराजात मन नशा इन्ना रब्बा का हकीमुन अलीम, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके चाहे दर्जे बुलंद कर देता है। ये कुरान है और कुरान का तर्जमा मेरी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं है। नरफाउ दराजात मन नशा इन्ना रब्बा का हकीमुन अलीम, अल्लाह बंदों में से जिसके चाहे दर्जे बुलंद कर देता है। फिर अल्लाह फरमाता है वहबना लहू इसहाक व याकूब, फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब तोहफे में दिए। जब नतीजा आएगा ना बकार भाई, देखिएगा कि आज मसला खिलाफत कैसे हल होता है। वहबना लहू इसहाक व याकूब, कि हमने उसको तोहफतन इसहाक भी दिया, याकूब भी दिया, कुल्लन हदैना, और इन दोनों को हादी और महदी बनाकर भेजा। वह नूहन हदैना मिन कबलो, और इन दोनों से कबल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हादी बनाकर भेजा। वह मिन जुर्रियत ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद ये इस्मत, ये तहारत, ये खिलाफत, ये इमामत कहाँ मुंतकिल हुई? वमिन ज़ुर्रियत ही, हमने इसको मुंतकिल किया हजरत इब्राहिम की ज़ुर्रियत में, नस्ल में। कौन सी ज़ुर्रियत? दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफ व मूसा व हारून
کذالک نجزی المحسنین، ان نبیوں کے نام اللہ نے لیے اور کہا کہ اس کو منتقل کیا سلیمان میں، داؤد میں، ایوب میں، یوسف میں، موسیٰ میں، ہارون میں۔ اللہ ایسے ہی اپنے بندوں کا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی طرح ہم نے اس سلسلہ ہدایت و امامت کو زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس میں منتقل کیا۔ یہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے۔ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَى وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح ہم نے اس سلسلہ ہدایت کو اسماعیل میں، الیسا میں، یونس میں اور لوط میں منتقل کیا اور ان سب کو اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ آگے سنیے گا، فیصلہ کن آیت آنے لگی ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف ان پر ہی احسان نہیں کیا، صرف ان پر ہی احسان نہیں کیا بلکہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ کہتا ہے ان سب کے بزرگوں کو، ان سب کے والدین کو بھی ہم نے اسی طرح ہادی اور مہدی بنایا تھا، اس کے بعد ان کے بھائیوں میں، ان کے گھر کے افراد یعنی ان کے بھائیوں میں ہم نے یہ سلسلہ ہدایت منتقل کیا۔ جب بھائی بھی نہ رہے کہا وہ ذریاتِ ہی، پھر ہم نے اس سلسلہ ہدایت کو، نبوت کو، خلافت کو، امامت کو منتقل کیا ابراہیم کی ذریت میں، نبیوں کی ذریت میں۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا قرآن میں، جب بھی انبیاء کا وارث بناتا ہے ان کی اولاد کو بناتا ہے۔ جب سارے نبیوں کا یہ قانون ہے کہ ان کی اولاد ان کی وارث بنتی ہے، تو پھر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، پھر جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، تیرے پھر یہاں پر آ کر سارے ارادے بدل کیوں جاتے ہیں؟ تو یہاں سے اٹھا کر کسی اور طرف کیوں لے جاتا ہے؟ پھر آگے چلیے، ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ نور میں، ارشاد رب العزت ہوا وحد اللہ الذین آمنوا منکم وعامل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں، میں ضرور بضرور ان کو زمین پر خلافت عطا کروں گا۔ یہاں تک آپ کو لے کر آنا تھا، بآسانی سفر آپ نے طے کر لیا، گھبرائے تو نہیں ہے نا۔ یہاں سے آگے آپ تھوڑا سا سفر اور کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے وراثت کو باقی رکھا ہے ذریت میں، اور ذریت میں سے وہ جو معصوم ہے، اور اللہ نے کہا کہ زمین پر خلافت بھی میں دیتا ہوں، امامت بھی میں دیتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ لاہور پریشان ہوئے جی، مولا علی فرماتے ہیں میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ آپ سوچیں گے ہم نے اس کو اس لیے یہاں پر بلایا تھا، قرآن بھی اٹھا کے لے آیا ہے کہ یہاں پر آ کر علی کو خلیفہ بلا فصل یعنی پہلا خلیفہ ثابت کرنا تھا، یہ ممبر سے کہہ رہا ہے کہ علی چوتھا خلیفہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہاں میں چوتھا خلیفہ ہوں، مگر شورا والا نہیں، قیاس والا نہیں، اجماع والا نہیں، بلکہ میں قرآن والا چوتھا ہوں، میں رحمان والا چوتھا ہوں، میں یزدان والا چوتھا ہوں۔ پہلے پھر تین خلیفے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ للناس، کہ اے داؤد ہم نے تجھے اہل زمین کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کیا، پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد اور تیسرا خلیفہ ہارون۔ یا ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون اس قوم پر میری طرف سے خلیفہ بن جا، اس قوم پر میری طرف سے خلیفہ بن جا۔ پتہ چلا پہلے جو تین خلیفے ہیں، ایک حضرت آدم ہیں، ایک حضرت داؤد ہیں، ایک حضرت ہارون ہیں، اور چوتھے نمبر پر حیدر کرار ہیں۔ اب جب حیدر کرار کی خلافت کی باری آئی، جب پہلے کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود تھیں،
तो फिर चौथे के बारे में कुरान की आयत मौजूद क्यों ना हो। आवाज कुदरत आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा अंजिला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासमुका मिनन नास। ऐ मेरे हबीब, आज उसकी खिलाफत का ऐलान कर जिसको मैंने इन तीनों के बाद जमीन पर खलीफा मुकर्रर किया है, और बिलफेल अमली तौर पर अगर आज तूने ये काम न किया, तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। रसूल ने फरमाया कि ये लोग मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। आवाज कुदरत आई, वल्लाहो यासिमो का मिन नास। ऐ मेरे हबीब, खिलाफत का ऐलान तू कर, इनके शर से तुझे मैं बचाऊंगा। ये बंद कर दो, बंद कर दो। हैदरी, ऐलान खिलाफत तू कर, इनके शर से तुझे मैं बचाऊंगा। अब ऐलान कहां पर हुआ? ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है। 18 ज़िलहिज्जा थी, गदीर का मैदान था, ज़ात हदीयत का फरमान था, जिब्रील दरमियान था। दो काफले चले मकाम खुम गदीर की जानब, एक रसूल की क्यादत में हाजियों का काफला और एक जिब्रील की क्यादत में आयतों का काफला। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप, किस ख्याल में बैठे हुए हैं आप, किस मंजिल पर लेकर जाना चाहता हूं आपको। दो काफले चले मकाम खुम गदीर की जानब, एक रसूल की क्यादत में हाजियों का काफला और हाजी भी ताज़ा ताज़ा, 0 मीटर, सर साफ, अरब की गर्मी, सर चमक रहे थे, दिल दमक रहे थे। मकाम खुम पे पहुँचे, यहाँ पर आकर दोनों काफले एक हुए। जिब्रील ने पहली आयत पढ़ के सुनाई, अल्लाह बाद अज़ तोहफ़ा दुरूद व सलाम ये अर्ज करता है, पहुँचा दे उस बात को जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजल हो चुकी है। अगर आज तूने ये काम न किया, तूने रिसालत का कोई काम नहीं किया। पैगंबर ने आवाज दी, सलमान जल्दी आ, मुश्किल वक्त आ गया है, जल्दी आ। कहा या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। कहा मिंबर लाओ। कहा या रसूलल्लाह मिंबर तो मदीने में है। कहा आज मदीने वाला नहीं, करीने वाला मिंबर हाजिर करो। मदीने का मिंबर मदीने में रहे, कोई ऐसा मिंबर बनाओ जो रहती दुनिया तक लोगों को हमेशा याद रहे, कभी भी भूले नहीं। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह फिर वो मिंबर कैसा होना चाहिए? कहा मेरे काफले में बड़ी तेज रफ्तार सवारियां मौजूद हैं, मुझे पता है कि उधर मैंने ऐलान सुनाना है, सवारियों पर बैठ के भाग जाएंगे, लिहाजा जो 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 भी भागने वाला है ऐसा कर के उसके ऊंट से पालान उतार लो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये तरद्दत करने का सबब क्या है, पालान क्यों उतारे? आलम तखैल में रसूल ने फरमाया, खुर्शीद जबादी तू 14वीं सदी में आया है, तू इन लोगों के मिजाज से नहीं वाकिफ। मैं जानता हूं, तुझे तेरी जुबान में समझाता हूं कि तू अगर एक मकाम पे मजलिस पढ़ने जाए, वहां जाकर बानियान के सरों पर सवार हो जाए कि मुझे जल्दी पढ़ाओ, बानियान तुझे बैठक में बैठा दें और तेरी गाड़ी से सीटें निकाल लें। तो है या नहीं, अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं आप। तुझे बैठा लें और तेरी गाड़ी से सीटें निकाल लें और कहें कि अगर मौलाना साहब जाना चाहते हैं तो फी ईमान अल्लाह। तू वहां से अकड़ कर उठे, आके गाड़ी को देखे, गाड़ी में सीट ही नहीं है, अब भागने के सारे रास्ते बंद, अब तू जाके बैठ जाएगा बैठक में, कहेगा राजा साहब जिस टाइम मर्जी जपड़ा लेना, मेरी सीटा वापस कर दे। तो आप किबला, यहां पर भी रसूल कौनैन ने ऐसा अमल किया, कहा कि पालाने उतार लेते हैं, उसके बाद इनको जाने की इजाजत दे दें, जो जाना चाहे बेशक चला जाए। पालानों का मिंबर तैयार हुआ,
रसूल कौनैन मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाने लगे। सलवात पढ़े बाबा जबलान मोहम्मद। पैगंबर ने फरमाया इसको क्या हुआ? अब किबला ये जो आपने वसीला बनाया है ना आवाज़ पहुंचाने का, ये कभी आता है कभी जाता है, इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है, कसूर है बनाने वाले का। हमने बनाया है वसीला और वसीला उसको बनाया है जो बंदों के हाथ का बना हुआ है। तो जो बंदों का बनाया हुआ होता है वो ऐसे ही करता है, बिल्कुल वक्त पे साथ छोड़ के भाग जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि ऐसे वसीले ना बनाओ बल्कि वो वसीला बनाओ जो नबियों का भी मुश्किल कुशा है, पूरी कायनात का भी मुश्किल कुशा है। हैदरी, मैं यहाँ तक ले आया हूँ बात को शाह जी, बहुत जल्द आपके हवाले मेंबर करूँगा। पैगंबर अकरम मेंबर पर खड़े हुए और गदीर के मैदान में गर्मी इतनी थी कि हाजियों ने पाँव पर कपड़े लपेट रखे थे ताकि पाँव जलन से बच जाए। अलामा संजादी साहब फरमाया करते थे आल अल्लाह मकाम हूँ कि कुछ गर्मी की जलन थी, कुछ ऐलान की जलन थी, कुछ हाजियों के पाँव जल रहे थे, कुछ हाजियों के दिल जल रहे थे। ऐसे आलम में पैगंबर ग्रामी मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, लोगों से पूछा अय्योहन्नास अतालमूना इन्नी औला अलल मोमिनीना मिन अनफुसहिम। ए लोगो, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे नफ्सों का तुमसे बढ़कर हाकम हुक्मरान हूं। अब वो हाकमियत वाली आयत याद करें जो मैंने सरनामा कलाम में अर्ज की थी कि रसूल को हाकम बनाओ। फिर पैगंबर ने इकरार लिया लोगों से, क्या वाकई मुझे हाकम हुक्मरान मानते हो? कालू बला, सब ने मिलकर कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी हाकमियत को तस्लीम करते हैं। फिर पूछा अय्योहन्नास अतारिफूना इन्नी औला अलल मोमिनीना मिन अनफुसहिम। ए लोगों, क्या इस बात की मार्फत रखते हो कि मैं तुम्हारे नफ्सों का तुमसे बढ़कर हाकम हुक्मरान हूँ? कालू बला, सब ने मिलकर कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम मार्फत भी रखते हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं, आप हमारे सैयद हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे मुर्शद हैं, आप हमारे राहबर हैं, आप ही ने हमें दीन सिखाया है, वरना हम बेदीन लोग थे, हम गुनाहगार लोग थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। आज अगर दुनिया में हमारा नाम है तो आपकी वजह से है। फिर कायनात के रसूल ने पूछा अय्योहन्नास या माशर अल साहब अतशहदूना इन्नी औला अलल मोमिनीना मिन अनफुसहिम। ऐ लोगों, क्या इस बात की गवाही देते हो कि मैं तुम्हारा आका और मौला हूं? सारे सहाबा ने मिलकर कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम जानते भी हैं, हम मारफत भी रखते हैं, हम गवाही भी देते हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं, आप हमारे सैयद हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे मुर्शिद हैं, आपकी वजह से हम सब कुछ है। सिर्फ गदीर के मैदान में बैठे हुए 125,000 सहाबी ही नहीं रसूल की मौलाइयत को तस्लीम कर रहे थे बल्कि कायनात का जर्रा पुकार पुकार के ऐलान कर रहा था अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं। अर्श वाले कह रहे थे अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं। फर्श वाले कह रहे थे अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं। मलाइका कह रहे थे अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं। सारे सालहीन कह रहे थे अंता मौलाना, आप हमारे मौला हैं। आबदीन कह रहे थे आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं। सालहीन कह रहे थे आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला है। असहाबाए कराम कह रहे थे आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला है। अज़वाज मुतहरात कह रही थी आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं। और मेरा ईमान और अकीदा ये कहता है जितना मजमा आज जहां मलकवाल की मरकजी कदीमी इमाम बारगाह में बैठा हुआ है, ये सारी रूहें भी वहां पर मौजूद थी। ये सारे कह रहे थे आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं। हाथों को बुलंद करके रसूल की मौलाइयत का ऐलान करें, आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला है,
आप हमारे सैयद हैं, आप हमारे सरदार हैं। जब कायनात के जर्रे जर्रे ने रसूल की मौलाइयत को तस्लीम किया, कायनात के रसूल ने अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का बाजू बुलंद करके फरमाया, अय्युहन नास अल्लाह मौलाना व अना मौलाकुम, अल्लाह मेरा मौला है और मैं तुम्हारा मौला हूँ, मगर याद रखना मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला। दुनिया 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 दराजो दुनिया दराजो जिंदगी अंदर आज अली गल मुक्की नहीं, ऐलान विलायत हुआ सलामती हैदरी। जरा ऐसा नारा लगाएं जिसकी आवाज नजफ तक जाए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है जिंदगी अंदर आ दो आपकी। ऐलान विलायत हुआ, आयत एक और आ गई। मैंने आपको कहा था ना आयतों का काफिला आया हुआ था, अल यौम अकमलतु लकुम की आयत से पहले बाबा जी एक और आयत आई, अल यौम यासल्लजीना काफरू, आज ऐलान विलायत अली हुआ, काफर मायूस हो गए। ऐलान विलायत अली पर कुफर मायूस हो जाता है। जब ऐलान विलायत अली हुआ फिर दूसरी आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज विलायत अली का ऐलान हुआ, दीन मुकम्मल हो गया। आज विलायत अली का ऐलान हुआ, नेमत तमाम हो गई। आज अलीयुन वलीयुल्लाह पर दीन मुकम्मल हो गया। आज अलीयुन वलीयुल्लाह पर नेमत तमाम हो गई। फिर मुझे मलकवाल में ये ऐलान करने दीजिए, जब अल्लाह का दीन विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तेरी आजाने और नमाजें कैसे अली के बगैर मुकम्मल हो जाएं। जब दीन इलाही सलामती सलामती हैदरी सलामती सलामती हो आप पर हैदरी, अली का प्यार रूहो बदन का उजलापन जिंदगी, अली का प्यार रूहो बदन का उजलापन, तेरी समझ में समाए भला ये राज कहा, जियो तुझे अली से मोहब्बत नहीं तो ना कर सजदे, तेरा बदन ही निजस है तेरी नमाज नमाज हैदरी हैदरी। मैंने बात को यहाँ पर ख़त्म करना था, लेकिन आपने लुकमा दे दिया, क्या करूँ, अब ये जुमला नहीं कहूँगा तो मुझे भी चैन नहीं आएगा, ये जुमला कहना मुझ पर ज़रूरी हो गया है। एक था दुश्मन खुदा, खुदा की तौहीद का इकरार करने वाला, नमाजों पे नमाजें अदा करने वाला, सजदों पे सजदे करने वाला, लेकिन वो खुदा का दुश्मन कैसे बना, उसने कहा तुझे मानूंगा, तेरे बनाए हुए को नहीं मानूंगा, तुझको मानूंगा, तेरे मुकर्रर करदा खलीफे को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने कहा अपनी नमाजें उठा, अपने अमाल की गड़नियाँ उठा, इशारा समझिएगा, गड़नियाँ उठा और निकल जा यहाँ से, गड़िया उठा और निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी नमाजों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे सजदों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तूने मेरे बनाए हुए का इनकार किया है। अब आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ, क्योंकि तूने मेरे बनाए हुए का इनकार किया है। अब किबला आदम का लकब है सफ़ीउल्लाह, तो जो आदम सफ़ीउल्लाह का मुनकर हो, जो आदम सफ़ीउल्लाह का मुनकर हो, अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, तो जो अली वलीउल्लाह का मुनकर हो, अल्लाह उसकी इबादत कैसे कबूल कर लेगा।
अगर इस दुनिया को अली की विलायत की समझ आ जाती, अली की बेटियां कूफा और शाम के बाज़ारों में नंगे सारे एक चादर का सवाल न करती। मेरे सामने सैयद तशरीफ़ फरमा है, मेरा बाबा जी से वादा है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मुसाहिब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में इनका नाम है, मालिक इनको सेहत और सलामती अता फरमाए, इनका साया साहिबान मिंबर पर और मोमिनीन पर सलामत रहे। ख़तीब आले मोहम्मद ज़ैदी साहब फरमाया करते थे कि दीन अल्लाह का बच गया, कलमा नबी का बच गया, शरीयत मुताहरा इस्लाम की बच गई और घर अली का उजड़ गया। ऐसा उजड़ा कि आज तक आबाद नहीं हुआ। एक और जुमला कहूँ, अगर आप सारे रोना ना आए तो हाय कर देना, ताकि ये आपकी हाय गवाही में शामिल हो जाए कि आपका ताल्लुक हुसैन के साथ है। ज़ैदी साहब फरमाया करते थे कि दुनिया का कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो करबला के मैदान में इन मुसलमानों ने औलाद रसूल पे ना किया हो, दुनिया का कोई ऐसा जुल्म नहीं है। बल्कि मैं जुमला खोल के कहता हूँ, वो फरमाया करते थे कि इतना मारा अली के बेटों को इस यजीद की फ़ौज ने कि दुनिया में जुल्म और सितम की इंतहा इससे ज़्यादा कोई नहीं देखी गई। लेकिन ज़ैदी साहब रो के फरमाया करते थे, करबला के मैदान में मुसलमानों ने अली के बेटों को थोड़ा मारा, अली की बेटियों को ज़्यादा, अली की बेटियों पर ज़्यादा जुल्म किया। अरे अली के बेटों की मकतल फकत करबला थी, लेकिन अली की बेटियां करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, हर बाजार में कत्ल होती रही, हर दरबार में कत्ल होती रही, हर चौक में कत्ल होती रही। अब मैं मुसलमानों से एक इंसाफ मांगता हूं। लोग कहते हैं 1400 साल गुजर गए तुम्हारा रोना ख़त्म नहीं हुआ, 1400 साल गुजर गए तुम्हारा मातम ख़त्म नहीं हुआ। मैं कहा करता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मलकवाल वालों, आपका वकील बनकर, सारे शिया सुनी मुसलमानों का वकील बनकर दुनिया से एक सवाल करता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आज से हम रोएंगे नहीं, आज से हम मातम नहीं करेंगे, आज से हम चुप करके अपने घरों में बैठ जाएंगे। मेरा सवाल है तो फकत इतना सवाल है, कायनात इस्मत की तीन मुकद्दस तरीन बेटियाँ, एक रसूल की बेटी जहरा, एक अली की बेटी जैनब, एक हुसैन की बेटी सकीना, दुनिया वालों मुझे बताओ इन तीन बेटियों का कसूर क्या था, दुनिया वालों मुझे बताओ इन तीन सैयद आजादियों का कसूर क्या था। अगर कोई कसूर नहीं था फिर जहरा का पहलू जख्मी क्यों है, अगर कोई कसूर नहीं था फिर जैनब के हाथ पसे गर्दन क्यों बांधे गए, और अगर कोई कसूर नहीं था फिर सकीना के मुंह पे तमाचों के निशा। हाँ रोने वाले अदादारो, साहिब मालिय सप्तैन में तहरीर फरमाते हैं, जहां भी हुसैन की मजलस होती है ना, हुसैन की मजलस में अदादार की आंख से बहने वाला आंसू जहरा जमीन पे नहीं जाने देते। अज़ादार का कितना बड़ा मकाम है, रोने वाले का कितना बड़ा मकाम है। अज़ादार की आंख से निकला हुआ आंसू सैयदा जमीन पर नहीं जाने देती, एक रुमाल लेके आ जाती है, उस रुमाल में अज़ादार के आंसू जमा। अगर मातम करेंगे मेरे साथ मिलके, एक ही जुमला कह के बाबा जी को मिंबर दे दूंगा, अज़ादारो, अज़ादार के आंसुओं से तर रुमाल लेकर सैयदा मजलिस के अख्तिताम पर करबला में जाती है, जाके हुसैन के जख्मों पर रखती है, हुसैन के जख्मों से जैसे ही अज़ादार के आंसू मास होते हैं सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। एक ही जुमला, सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, मगर दो जख्म ठीक नहीं होते, एक सर का जख्म, एक सीने का जख्म। एक सर का जख्म ठीक नहीं होता, एक सीने का जख्म ठीक नहीं होता। जहरा रो के कहती है, हुसैन बेटा अज़ादार के आंसुओं से तेरे सारे जख्म ठीक हो गए, लेकिन तेरा सर वाला जख्म, तेरा सीने वाला जख्म ये ठीक क्यों नहीं हुआ। हुसैन रो के कहते हैं, अम्मा अगर सारी दुनिया रोते रोते मर भी जाए ये दो जख्म नहीं भर सकते, सीने में अकबर की जवानी का जख्म है और सर पे बहन जैनब की बेरदाई का जख्म।
नारे तकबीर। ढेर सारे बंदे बैठे हो, बुलंद आवाज़ के जवाब दो अली दे खालिक।